स्टूडेंट्स, टुडे आई टीच यू अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th क्लास। अ गर्ल विद अ बास्केट। तो आज हम प्रोज के फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करते हैं। अ गर्ल विद ए बास्केट, यानी टोकरी वाली एक लड़की या टोकरी के साथ एक लड़की। हामी से एक गर्ल मीन्स लड़की, विद मीन्स साथ, हामी से एक बास्केट मीन्स टोकरी, टोकरी के साथ एक लड़की या टोकरी वाली एक लड़की। इसको विलियम सी डगलस ने इसको रिटन किया है, इसको लिखा है। तो इसमें अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में है ये, विलियम सी डगलस के बारे में। और उसके बाद में ये अबाउट द लेसन पार्ट के बारे में है। अबाउट मीन्स बारे में, द लेसन मीन्स पार्ट के बारे में है। तो हम इसके पार्ट के बारे में देख लेते हैं कि द लेसन अ गर्ल विद अ बास्केट इज अ जेनर ऑफ रेमिनिसेंस। द लेसन मीन्स जो पार्ट है, गर्ल विद ए बास्केट जो पार्ट है, इज मीन्स आमी से एक जेनर। जेनर मीन्स यह एक शैली है ऑफ रेमिनिसेंस, यह एक याददाश्त की शैली है। इन दिस आर्टिकल, आर्टिकल मीन्स उपपद होता है, आर्टिकल मीन्स लेख होता है, आर्टिकल्स मीन्स वस्तुएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल का मतलब लेख है। इन दिस आर्टिकल, इस लेख में, दी ऑथर मीन्स लेखक, राइट्स मीन्स लिखता है, हिज मीन्स अपनी, मेमोर, वो अपनी मेमोर को लिखता है, यानी वो अपनी हिस्ट्री, अपने इतिहास को लिखता है। व्हेन जब ही विजिटेड, जब वह भ्रमण पर गया था, घूमने गया था, इंडिया मीन्स भारत, जब वह भारत के विजिट पर घूमने गया था, तो वह अपने इतिहास को लिखता है अपने लेख में। हियर ही मेट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। हियर मीन्स यहाँ पर, ही मीन्स वह, मेट मीन्स मिला था, डिफरेंट मीन्स भिन्न भिन्न, काइंड मीन्स प्रकार के, ऑफ पीपल लोगों से, यहाँ पर वह भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से मिला था। बट ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाई आर रिफ्यूजी गर्ल, नॉट मोर देन 9 ईयर ओल्ड। बट लेकिन ही वॉज, वह था, वेरी मच, बहुत अधिक, इम्प्रेस्ड मीन्स प्रभावित था, लेकिन बहुत अधिक प्रभावित था, बाई मीन्स द्वारा, मीन्स एक रिफ्यूजी मीन्स शरणार्थी गर्ल मीन्स लड़की, वह एक शरणार्थी लड़की के द्वारा बहुत अधिक प्रभावित था। नॉट मोर देन 9 ईयर ओल्ड, यानी यह 9 वर्ष से अधिक नहीं थी, यानी यह 9 वर्ष से अधिक नहीं, यानी 9 वर्ष की एक शरणार्थी लड़की के द्वारा वह बहुत ही प्रभावित था। द रिमिनिसेंट वाज ग्रेटली ओवरहेल्ड बाई द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। द रिमिनिसेंट, जो उसकी याददाश्त, बाज मीन्स थी ग्रेटली मीन्स अत्यधिक, ओवरहेल्ड मीन्स प्रभावित था, जो उसकी ताज़ा याददाश्त थी ना, वह उससे बहुत अधिक प्रभावित था। ग्रेटली मीन्स होता बहुत अधिक, ग्रेट मीन्स महान, ग्रेटली बहुत अधिक, अत्यधिक कह सकते हैं, अत्यधिक प्रभावित था बाई मीन्स द्वारा। द कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक हेरिटेज मीन्स विरासत ऑफ इंडियन मीन्स भारतीय सब कॉन्टिनेंट मीन्स होता है उपमहाद्वीप, जो भारतीय उपमहाद्वीप की जो सांस्कृतिक विरासत के द्वारा जो उसकी ताज़ा याददाश्त थी बहुत अधिक प्रभावित थी। ही ऑल्सो नैरेटेड, ही मीन्स उसने, ऑल्सो मीन्स भी, नैरेटेड मीन्स वर्णन किया, डिस्क्राइब द इंसिडेंट मीन्स घटना का, ऑफ दैट मीन्स की, लिटिल मीन्स छोटी, रिफ्यूजी मीन्स शरणार्थी गर्ल मीन्स लड़की, और उसने जो छोटी, वह छोटी लड़की की घटना का वर्णन किया, टू नेहरू जी, नेहरू जी से वर्णन किया था। विच मीन्स जो, रिफ्लेक्टेड मीन्स जो प्रभावित थे, द सेंस मीन्स भाव से, ऑफ प्राइड उस गर्व से, इन पुअर मीन्स गरीब फेलोज मीन्स साथी, तो गरीब साथियों के, उसके, उससे गर्व से, घमंड से, गर्व से वो क्या थे, प्रभावित थे। द ऑथर मीन्स लेखक, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं, बाज मीन्स था, ग्रेटली मीन्स अत्यधिक, इम्प्रेस्ड मीन्स प्रभावित था, बाई कैचिंग अ ग्लिम्पस, एक झलक के, झलक कैच करने के द्वारा,
ग्लिम्पस झलक कैच करने के द्वारा, ऑफ द वार्म का मतलब गर्म होता है, लेकिन यहाँ पर है जीवंत सोलहवीं आत्मा ऑफ इंडिया भारत, और भारत की जीवंत जो आत्मा की इस झलक से, झलक खींचने के द्वारा बहुत अधिक प्रभावित था। तो ये पाठ के बारे में है। अब इसका जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट यहाँ से है, और तो देखिए, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। तो लेखक कह रहा है इसमें विलियम सी डगलास की, आई मीन्स मैं हैड लेफ्ट मीन्स छोड़ चुका था न्यू दिल्ली, मीन्स न्यू दिल्ली को, फॉर द हिमालयाज मीन्स हिमालय के लिए, और मैं हिमालय के लिए नई दिल्ली को छोड़ चुका था, यानी मैं नई दिल्ली से हिमालय जा रहा था, तो नई दिल्ली से हिमालय को छोड़ मैं नई दिल्ली को छोड़ चुका था फॉर द हिमालय, हिमालय के लिए मैं हिमालय की ओर आगे बढ़ रहा था, तो नई दिल्ली को छोड़ चुका था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन अ 6,000 फुट रिज अपोजिट अ 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयस। आई मीन्स मैं वाज मीन्स तक गोइंग जा रहा था, एज फार एज मीन्स तक बरेली में, बरेली तक जा रहा था बाई ट्रेन रेलगाड़ी से, एंड मीन्स और देन तब बाई कार से टू रानीखेत जा रहा था, यानी मैं बरेली तक रेलगाड़ी से और तब रानीखेत कार से जा रहा था। एन ओल्ड ब्रिटिश, एन मीन्स एक ओल्ड मीन्स पुरानी, ब्रिटिश मीन्स अंग्रेजी आर्मी मीन्स सेना की, हिल मीन्स पहाड़ी, स्टेशन मीन्स छावनी, जो लोकेटेड मीन्स स्थित थी, ऑन मीन्स पर आमी से, 6,000 फुट यानी 6,000 फुट, रिज मीन्स होती है पर्वतमाला, ये 6,000 फुट पर्वतमाला पर स्थित थी, अपोजिट इसके जो सामने, या अपोजिट इसके सामने इसकी विपरीत दिशा में क्या था, 120 मील स्ट्रेच मीन्स फैला हुआ ऑफ स्नो मीन्स बर्फ से, कैप्ड मीन्स ढका हुआ हिमालय था, और 120 मील फैला हुआ बर्फ से ढका हुआ इसके सामने था वो हिमालय था। तो यहाँ तक पूरे का अर्थ हुआ कि मैं बरेली तक रेलगाड़ी से और तब रानीखेत कार से जा रहा था। तो एक पुरानी अंग्रेजी सेना की जो छावनी थी वो 6,000 फुट पर्वत श्रृंखला पर या पर्वतमाला पर स्थापित थी, और उसके सामने 120 मील फैला हुआ हिमालय बर्फ से ढका हुआ था। द ट्रेन वाज स्लो एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस। द ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी, वाज मीन्स थी स्लो मीन्स धीमी थी, एंड मीन्स और इट मीन्स या स्टॉप्ड या रुकती थी, एट मीन्स पर, ऑल मीन्स सभी, द वे मीन्स होता रास्ते के, स्टेशंस मीन्स स्टेशनों पर, यानी रेलगाड़ी बहुत धीमी थी, यानी इट इज ए पैसेंजर ट्रेन, यह बहुत ही धीरे गति चलने वाली ट्रेन थी, और यह रास्ते के सभी स्टेशनों पर रुकती थी। तो At every stopped, I swung open the door of my compartment and walked the platform. At means पर, every means प्रत्येक stop पर, यानी प्रत्येक पड़ाव पर, I means में swung open, क्योंकि स्विंग झूलना होता है, ओपन खोलना, झूलते हुए खोलना का मतलब है, यानी तेज़ी से खोलना। आई मीन्स मैं स्वंग ओपन तेज़ी से खोलता था द डोर मीन्स दरवाजे को ऑफ माई कंपार्टमेंट, और मैं अपने रेल के डिब्बे को तेज़ी से खोलता था। एंड मीन्स और वॉक मीन्स टहलता था द प्लेटफॉर्म, और मैं प्लेटफॉर्म पर टहलता था। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल, सिक्स मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट, प्रिस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स। द प्लेटफॉर्म्स मीन्स प्लेटफॉर्म्स बर्मीज थी, पैक्ड मीन्स ठसाठस भरे हुए थे विद पीपल, लोगों से, उसमें सिख थे, मुस्लिम थे,
हिंदू थे, सोल्जर्स मीन्स सैनिक थे, मर्चेंट्स मीन्स व्यापारी थे, प्रिस्ट मीन्स पुजारी थे, पोर्टर्स मीन्स और उसमें पोर्टर्स मीन्स जो कुली थे सामान ढोने वाले, बेगर्स मीन्स भिखारी थे और हॉकर्स मीन्स फेरी वाले थे, और फेरी वाले भी थे उसमें। तो जो प्लेटफॉर्म था वो लोगों से ठसा ठस भरा हुआ था, सिख मुस्लिम हिंदू व्यापारी सैनिक व्यापारी और पुजारी कुली भिखारी और फेरी वालों से भरे हुए थे। ऑलमोस्ट मीन्स लगभग एवरी वन मीन्स प्रत्येक व्यक्ति, और वाज मीन्स था वेयर फूट मीन्स नंगे पैर था, एंड मीन्स और ड्रेस्ड मीन्स पहने हुए था, इन लूज मीन्स होता है ढीले ढाले, वाइट मीन्स सफ़ेद गारमेंट्स मीन्स वस्त्रों को पहने हुए था। लगभग प्रत्येक व्यक्ति नंगे पैर था और ढीले ढाले सफ़ेद वस्त्रों को पहने हुए था। आई वुड आस्क एट लीस्ट थ्री पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। आई मीन्स मैं, वुड आस्क मैं पूछता था, एट लीस्ट कम से कम, और थ्री मीन्स तीन, और पीपल मीन्स लोगों से, मैं कम से कम तीन लोगों से पूछता था, बिफोर मीन्स पहले, आई कुड फाइंड तब मैं पा सकता था, वन मीन्स एक हु मीन्स जो स्पोक मीन्स बोलता हो इंग्लिश। तो मैं पहले कम से कम तीन लोगों से पूछता था तब मैं एक व्यक्ति को पाता था जो इंग्लिश बोलता। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। वी मीन्स हम वुड टॉक, हम बात करते थे या हम बात किया करते थे, इसमें वुड से यूज्ड टू वाले सेंटेंस और वुड से एक ही बात है, आदत प्रकट करने वाले सेंटेंस बनते हैं कि वी वुड टॉक, हम बात किया करते थे, वर्ल्ड अफेयर्स संसार के मामलों में बात किया करते थे, एंड मीन्स और एवरी मीन्स प्रत्येक, मेजर मीन्स मुख्य टॉपिक, और प्रत्येक मुख्य टॉपिक पर, प्रत्येक मुख्य बिंदु पर बात किया करते थे। जो द न्यूज मीन्स जो खबर थी, ऑफ द डे मीन्स दिन की, जो प्रोड्यूस मीन्स उसमें प्रोड्यूस होती थी, उसमें संपादित हो जाती थी, उस खबर के बारे में और प्रत्येक मुख्य बिंदु के बारे में हम संसार के बारे में बात किया। इन दिस वे आई वाज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। इन दिस वे इस प्रकार से आई मीन्स मैं, वाज मीन्स था ट्राइंग, कोशिश कर रहा था टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, यानी मैं उस राष्ट्र के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। टू गेट प्राप्त करना होता है, फील महसूस करना, ऑफ द पल्स मीन्स जो नब्ज होती है, ऑफ द नेशन राष्ट्र, मैं राष्ट्र की नब्ज के बारे में महसूस करने की कोशिश कर रहा था, यानी मैं राष्ट्र के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब है टू गेट अ फील ऑफ द पल्स का मतलब है जानना, ऑफ द नेशन मीन्स राष्ट्र के बारे में जानने की मैं कोशिश कर रहा था। इस प्रकार से चेकिंग में चेक कर रहा था, ओपिनियन मीन्स विचार, अगेंस्ट मीन्स होता है इसके जो विरुद्ध थे, ऑफिशियल मीन्स जो उसका सरकारी एटीट्यूड्स मीन्स दृष्टिकोण, एंड रिपोर्ट्स मीन्स सूचना, और जो सूचनाएं और दृष्टिकोण थी सरकार, इनके विरुद्ध जो विचार थे उनको चेक कर रहा था, और मैं राष्ट्र के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था।